वेलकम स्टूडेंट्स, विनयस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहिनी है और आज हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि नंबर सिस्टम पर ही आधारित है। तो वो प्रॉब्लम्स है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने देखा ही है मेरे पिछले वीडियोज में। वो सभी इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के रूप में होते हैं, वो क्लर्क या प्रीलिम्स तक ही पूछे जाते हैं। लेकिन जो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो होते हैं क्वांटिटी के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बस एक ही मार्क्स होता है, लेकिन वो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ क्वांटिटी के क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम पर आधारित है। तो क्वेश्चन है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 73। ये दो क्वेश्चंस, ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। क्वांटिटी वन, जो पहला क्वांटिटी है उसका वैल्यू है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और जो क्वांटिटी टू है वो है 539। और अब हमें इन ए बी सी डी या ई ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि Q1 is greater than Q2, Q1 is less than Q2, Q1 is greater than equals to Q2, Q1 is less than equals to Q2, or Q1 equals to Q2, or no relation। ये बिल्कुल उसी तरह के questions हैं जो कि जहाँ x और y को का हम compare करते थे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा advanced level के हैं। आइए देखते हैं इन questions को हम कैसे solve करेंगे। तो हम पहला इक्वेशन को लेंगे जो है a प्लस बी इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब इसमें से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इक्वल्स टू 11 माइनस बी, ठीक है। अब ये इक्वेशन वन हो गया। अब इसी को यहां से हम a का वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है 73। तो 11 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 73, ठीक है। अब इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बाइफोकेट कर देंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, मैं यहां लिख दे रही हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इस फॉर्मूला के बेसिस पे इसे हम सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 इंटू बी इक्वल्स टू 73, ठीक है। अब हम इसे यहां सॉल्व करेंगे। 11 स्क्वायर 121 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 22 b प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 73। तो अब b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 121 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 22b। इधर से अगर हम 73 को इधर ले आएंगे, माइनस 73 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला में अरेंज कर लेंगे तो 2b स्क्वायर माइनस 22b प्लस 121 माइनस 73। अब हम 121 माइनस 73 कर लेंगे, 121 73 7, 8, 9, 10, 11, 8, 7, 8, 4। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 22b प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम 2 अगर कॉमन ले लेंगे सब में से, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 11b प्लस 24 इक्वल्स टू 0।
टू अगर इधर आ जाएगा तो वो भी जीरो हो गया। अब हम इसे, मैं इसे यहाँ सॉल्व कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके, ये अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 11b प्लस 24 इक्वल्स टू जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस 24 को अगर हम बाइफर्केट करेंगे तो वो हो जाएगा 8 3 24 और 8 प्लस 3 इज 11। तो मिडिल टर्म को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 8b माइनस 3b प्लस 24 इक्वल्स टू जीरो। तो b की वैल्यू हो गई 8 या फिर 3। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि थोड़ी जगह हमें मिल जाए। तो अब b की वैल्यू हो गई 8 एंड 3। अगर b की वैल्यू 8 एंड 3 है तो a की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होगी। तो पहले लेते हैं b की वैल्यू 8। अगर b की वैल्यू 8 होगी तो a माइनस 8 इक्वल्स टू 11, सॉरी a प्लस 8 इक्वल्स टू 11, तो a इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम इसे ही पुट कर लेते हैं क्योंकि अगर हम b को 3 मानते हैं तो वाइस वर्सा a 8 हो जाएगा, तो दोनों मान एक ही बराबर है। अब हम इसे पुट करेंगे क्वांटिटी 1 के इक्वेशन में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अब क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 8 क्यूब, इसका वैल्यू होगा 539। तो क्वांटिटी 1 हो गया 539। इसका मतलब क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 दोनों इक्वल है, सो दैट इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा? ऑब्वियसली ये ऑप्शन सही है जो कि क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2 और नो रिलेशन। तो हमारा आंसर होगा ई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वांटिटी का ही क्वेश्चन है जो कि नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक चैप्टर पे हम क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन m टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1/625 एंड m क्यूब इज लेस देन m स्क्वायर। ठीक है, अब क्वांटिटी 1 है वैल्यू ऑफ m, क्वांटिटी 2 है 0। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। m टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1/625, तो m टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1/, इसे हम 5 × 5 × 5 × 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 = 625। तो m की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी, द पावर 4 अगर हम करें तो 5 × 5 × 5 × 5, तो m की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ±1/5। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का अगर हम इंटू 4 करेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव साइन को भी 4 बार इंटू करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करना होगा। समझते हैं, अगर आप नहीं समझ रहे तो एक और बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 1/ अगर -5 हो या 1/-5 हो या 1/-5 × 1/-5, ये भी हमें 1/625 ही आंसर देगा। और अगर इसके जगह पॉजिटिव होगा, जैसे माइनस को अगर हम हटा देते हैं तो भी 1/625 ही आंसर होगा। तो इसीलिए हम प्लस एंड माइनस दोनों कंसिडर करेंगे। तो एम की वैल्यू क्या हो गई, +1/5 − 1/5। तो क्वांटिटी 1 बता रहा है m की वैल्यू, मतलब ये दोनों। तो क्वांटिटी 1 मतलब −1/5 + 1/5, क्वांटिटी 2 क्या है, 0। तो क्वांटिटी 1 का जो पहला वैल्यू है वो −1/5 है, तो क्या वो 0 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली छोटा है। और क्वांटिटी 1 का जो
दूसरा वैल्यू है जो है +1/5 वो 0 से बड़ा है। तो इसमें कोई भी रिलेशनशिप हम पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ई, नो रिलेशन। ठीक है, तो ये रहे दो सवाल जो कि क्वांटिटीज पर बेस्ड थे और ये नंबर सिस्टम पर आधारित थे। इसी तरह के और भी बहुत सारे सवाल मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, नीचे प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।